नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2020 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 7 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज करने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी टीम को अपना अगला मुकाबला जो है केकेआर के खिलाफ 21 अक्टूबर को खेलना है। अब ऐसे में दोस्तों, ये मैच कब खेला जाने वाला है, कहाँ पर होने वाला है, इस मैच में आरसीबी टीम की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, गेम प्लान क्या होगा, स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आगे देने वाला हूँ। तो भाइयों, अगर आप भी आरसीबी टीम के फैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। वहीं हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि रोजाना अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ एक ग्रेट क्रिकेट स्टेट्स वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है क्रिकेटपीडिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाओगे कि क्रिकेट स्कोर जो बहुत ही अमेजिंग है इस वेबसाइट में। इस वेबसाइट पर आप जान सकते हो सभी क्रिकेटर्स के सभी स्टेट्स के बारे में, इसके साथ ही मैच के बारे में। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सर्च बार में जाना है। वहाँ पर जाकर सर्च करने के बाद आप फाइंड कर पाओगे क्रिकेट से रिलेटेड किसी भी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों, सपोज आज आईपीएल 2020 में दोस्तों राजस्थान बनाम चेन्नई के बीच में मुकाबला होने वाला है, ऐसे में इस मैच में दोस्तों धोनी बनाम स्मिथ के स्टेट्स क्या है, धोनी वर्सेस जोफ्रा आर्चर के स्टेट्स क्या है, इसके साथ ही बटलर वर्सेस महेंद्र सिंह धोनी या फिर शेन वॉटसन के स्टेट्स क्या है, सारे स्टेट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, लेट मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले बात करें इस मैच की, तो ये मैच जो है 21 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे केकेआर के खिलाफ अबू धाबी में खेला जाएगा। आरसीबी टीम फिलहाल जो है अभी तक 9 मैचेस खेल चुकी है जिसमें से इसे 6 में जीत मिली है जबकि 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। अभी आरसीबी टीम के कुल 12 अंक हैं और प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आरसीबी टीम को कम से कम 2 मैचेस और जीतने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आरसीबी टीम की इस मैच में प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, रणनीति क्या हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आरसीबी टीम की बल्लेबाजी की। बल्लेबाजी में पहले बात करें अरुण फिंच की, तो फिंच को यहाँ पर एक अच्छी और बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी क्योंकि दोस्तों पिछले कई इनिंग से उनका बल्ला खामोश रहा है। हालांकि उन्हें स्टार्ट अच्छे मिले हैं, कई इनिंग में उन्होंने 40+ भी किए हैं, मगर दोस्तों वो अपनी शुरुआत को एक बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए हैं। इसी वजह से दोस्तों फैंस से ही उम्मीद कर रहे हैं कि अरुण फिंच जो है एक अच्छी और बड़ी पारी खेले और उस पारी के साथ ही फॉर्म में वापसी करें। वहीं भाइयों, कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि फिंच की जगह पर यहाँ पर जोशुआ फिलिप को चांस देना चाहिए, फिंच को कुछ मैचों के लिए बाहर बिठाना चाहिए और जोशुआ फिलिप को प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए। मगर दोस्तों, फिंच जो है काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है, वो विराट कोहली की कप्तानी में मदद भी करते हैं। ऐसे में फिंच को आरसीबी टीम जो है प्लेइंग 11 से मैदान से बाहर नहीं बिठा सकती है, वो पक्का खेलते हुए नजर आएंगे। इस वजह से अगले मैच में भी वो खेलने वाले हैं और हो सकता है कि फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगले मैच में फिंच के बल्ले से एक शानदार पारी देखने को मिले। वहीं दोस्तों, इसके बाद बात करें कोहली की, तो कोहली ने यहाँ पर पिछले कुछ मैचों से अच्छा स्टार्ट किया आरसीबी टीम के लिए, उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली, मगर दोस्तों वो लास्ट तक मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से लोग ये देखना चाहेंगे कि विराट कोहली इस मैच में मैच को पूरा फिनिश करके आए। अगर आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो फिर टीम को एक बड़े स्कोर तक लेके जाए, वहीं अगर टीम चेस करती है तो मैच को पूरा फिनिश करके आए, टीम को मैच जितवा के आए। दोस्तों, हमने कई बार देखा भी है कि विराट की खासियत रही है कि वो मैच को आधा अधूरा छोड़कर नहीं आते हैं, वो पूरा खत्म करके आते हैं, मगर पिछले कई इनिंग्स से हमें ये देखने को नहीं मिल रहा है। उन्होंने पंजाब के खिलाफ 90 रनों की पारी खेली, इसके बाद 2 या 3 मैचेस हो गए हैं जिसमें विराट कोहली का बल्ला थोड़ा सा खामोश रहा है और थोड़ी सी स्लो पारी भी खेलते हैं। हालांकि वो फिट हो जाते हैं मगर लास्ट में जाकर वो अपना विकेट दे देते हैं। इसी वजह से दोस्तों, अब उन्हें एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी और लास्ट तक टिक कर खेलना पड़ेगा। अब इसके बाद दोस्तों, बल्लेबाजी में डिविलियर्स तो फॉर्म में ही है, आरसीबी टीम के लिए बड़ी खुशखबरी है। वहीं लोअर ऑर्डर में मॉरिस भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं और हो सकता है कि अगले मैच में अगर शिवम दुबे की वापसी हो जाए तो फिर मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर जो है आरसीबी टीम का और ज़्यादा मजबूत हो सकता है। मगर दोस्तों, चांसेस काफ़ी कम है, हो सकता है कि शाहबाज अहमद को एक और मौका दिया जाए। अब दोस्तों, बात करें गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में यहाँ पर क्रिस मॉरिस, नवदीप सैनी, इजरुद्दीना और चहल जो है शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। हम सब यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले मैचेस में भी ये ऐसी ही गेंदबाजी करते रहे और आरसीबी टीम को जीत दिलाते रहे। अब दोस्तों, अंत में बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस मैच में प्लेइंग 11 क्या होने वाली है आरसीबी टीम की। तो दोस्तों, यहाँ पर आरसीबी टीम की प्लेइंग 11 में हमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला है, हो सकता है कि पिछले मैच की तरह सेम ही प्लेइंग 11 मैदान पर उतरे। बात करें पूरी प्लेइंग 11 की, तो वो कुछ इस प्रकार से हो सकती है सेम पिछले मैच के जैसे। पहले खेलते हुए नजर आएंगे नॉर्मली फिंच और पड्डिकल, इसके बाद 3 पर विराट कोहली, 4 पर एबीडी, 5 पर गुरकीरत सिंह मान, 6 पर वॉशिंगटन सुंदर, 7 पर शाहबाज अहमद, 8 पर क्रिस मॉरिस, 9 पर इजरुद्दीना, 10 पर नवदीप सैनी और 11वें नंबर पर यहाँ पर चहल खेलते हुए नजर आने वाले हैं। ये हो गई हमारे हिसाब से आरसीबी टीम की प्लेइंग 11। अब देखना यह होगा कि केकेआर के खिलाफ आरसीबी की टीम कैसा प्रदर्शन करती है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।